जय श्री राम। आज हम ब्रह्मा जी के बारे में संपूर्णतः जानेंगे कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका नाम ब्रह्मा कैसे पड़ा। कैसे हुई ब्रह्मा जी की उत्पत्ति? पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के द्वारा हुई थी, इसलिए वह स्वयंभू भी कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख होने के पीछे ये कारण बताया जाता है कि जब उनकी उत्पत्ति हुई तो उन्होंने चारों ओर देखा, जिस कारण उनके चार मुख हो गए। शिव महापुराण में कथा मिलती है कि एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्व प्रयत्न करने के बाद मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु की नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। क्यों पड़ा ब्रह्मा नाम? भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार जो निर्गुण, जो तीनों गुणों सत्व, रज और तम से परे हो, निराकार और सर्वव्यापी है, वह ब्रह्म कहलाता है। इसीलिए सभी गुण होने के कारण उन्हें ब्रह्मा नाम से पुकारा जाता है। साथ ही ब्रह्मा जी को स्वयंभू, विधाता, चतुरानंद के नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी के रोचक तथ्य। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में क्रमशः वर मुद्रा, अक्ष सूत्र, वेद और कमंडलू धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी का वाहन हंस माना जाता है। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सावित्री है। देवी सरस्वती को उनकी पुत्री माना जाता है। भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी ने ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया था। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। यही कारण है कि उन्हें पितामह भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी देवता, दानव तथा समस्त जीवों के पिता माने जाते हैं। बोलो जय श्री राम, जय महादेव, जय बजरंगी।